हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकरकरा के बारे में। क्या इसका सेवन सर्दियों में मर्दाना ताकत के लिए करना सही होगा या नहीं? तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अकरकरा की तासीर गर्म खुश्क है। जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का हो, जिन लोगों का अश्वगंधा के सेवन से वजन बढ़ता हो या सफ़ेद मूसली के सेवन से वजन बढ़ता हो, ऐसे लोगों के लिए अकरकरा बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बात ज़रूर है कि अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली अकरकरा के मुकाबले बहुत सस्ती आएंगी। सफ़ेद मूसली 1400-1500 रुपए किलो के आसपास आएगी, लेकिन अकरकरा 10-12 हज़ार रुपए किलो के आसपास आएगा। जिन लोगों का शरीर पित्त प्रकृति का हो, जिन लोगों को गर्म चीज़ों से दिक्कत हो, ऐसे लोग अकरकरा का सेवन नहीं करें। अकरकरा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ऐसे लोगों को दिक्कत करेगा। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का हो, उनके लिए अकरकरा कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं। ये गर्म तो है, लेकिन वात वालों को गर्म तर चीज़ों का सेवन करना होता है और ये गर्म खुश्क है, लेकिन फिर भी वो कभी कभार इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में हमारे अंदर वात का प्रकोप बढ़ता है, जिस वजह से जो वायु का गुण है ठंडा रूक्ष, ठंडा खुश्क, हमारे अंदर रूक्षता बढ़ती है। इसलिए हमको गर्म तर चीज़ों का सेवन करना होता है, लेकिन अकरकरा गर्म खुश्क है, गर्म रूक्ष है। तो इसलिए आप सर्दियों में अकरकरा का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये गर्म तो है लेकिन रूक्ष है, आपके अंदर रूक्षता को और बढ़ाएगा। तो जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का हो, मतलब जिनका वेट आइडियल वेट से ज़्यादा हो, सिर्फ ऐसे लोग ही बहुत आराम से सर्दियों के अंदर इसका सेवन करें। वात वाले कुछ हद तक इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो पित्त वाले हैं वो इसका सेवन करना अवॉइड ही करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।